राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आपन हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, श्री राम। जय राम, जय जय राम। आज की श्री राम कथा में रउआ लोग के स्वागत बा। काल सुनावल के रहे कि राम जी कहनी परशुराम जी से कि छुअते धनुष टूट गई है। ये सोच के परशुराम जी बड़ा विस्मय में भयनी कि भगवान शिव के धनुष छुअते कैसे टूट जाए, कि केहू के तोड़ला से भी जो ना टूटे वाला धनुष बा वो केहू के छुआला से कैसे टूट सकता। मन में विचार कर लगनी कि भगवान के अवतार तने के हो गई। कह कि नारायण कहले रही कि जब हमार अवतार हुई तो ये धनुष हमरा के देव, हम ओकरा के चाप पर चढ़ाए, जब चढ़ जाए तो बुझ लेव कि हमारा अवतार भेल बा। तो परशुराम जी धनुष उठैनी और राम जी के देतनी आ कहतनी बाबा जी लिखनी, राम रमापति कर धनु ले हूं, राम रमापति कर धनु ले हूं, खेच हो मिटे मोर संदेह हूं, खेच हो मिटे मोर संदेह हूं, देत चाप आप ही चल गया हूं, देत चाप परशुराम मन विषमय भय, परशुराम मन विषमय भय। परशुराम जी का मन में विचार भइल कि नारायण भगवान कहले रही कि जब हमारा अवतार हुई तो ये धनुष से परीक्षा हुई। तो कहतने परशुराम जी कि हे राम, हे रमापति, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हई खींची धनुष तो पता चलो कि राव अवतार भइल बा। जैसे राम जी का हाथ में धनुष गईल वो अपने आप चढ़ गई। खाली स्पर्श करत छुअते में धनुष पर चाप चढ़ गईल। परशुराम जी का मन में बड़ा विस्मय भइल कि हम इतना देर से भगवान के पहचान ना पैनी। संत लोग कहेला कि निर्जीव धनुष भगवान के चिन्ह गई, हाथ में जाते वो चढ़ गई। परशुराम जी इतना बड़ा मुनि आई हो कह जला कि परशुरामो जी अवतार ही भगवान के और अपने वो रूप के ना पहचान पैनी। बड़ा मन में विस्मय भइल। गोस्वामी जी लिखनी, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। राम जी के प्रभाव परशुराम जी जान गनी, बुझ गनी कि यहाँ का साधारण मनुष्य नहीं की भगवान नारायण के साक्षात अवतार बनी। हाथ जोड़ के बोले लगनी, प्रेम इतना मन में भर गई। ओकर वर्णन बाबा जी कहनी, जय रघुवंश बनज बन भानु, रघुवंश बन
बनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृषानु गहन धनुज कुल दहन कृषानु जय सुर प्र धेनु हित कारी जय सुर धेनु हित कारी जय मद मोहा कोह भ्रमहारी जय मद मोहा मोह भ्रमहारी जय मद मोहा कोह भ्रमहारी जय जय रघुवंश शिरोमणि बोल के परशुराम जी नमन करतने कि रउआ असुरन के संहार करेला बनी मद मोह काम क्रोध के हरे वाला बनी हे प्रभु रउर जयकार हो को अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी इतना कुछ बोल गए नी अनजान में, बहुत लीला भइल, लक्ष्मण जी के साथे इतना बड़ा संघर्ष भइल, वाद विवाद भइल, ये सब बात के याद परशुराम जी करतनी मन ही मन दुखी होतनी कि भगवान के अवतार भइल हम ना चिन्ह पैनी कि हे प्रभु दोनों भाई रुवा लोग क्षमा के मंदिर बानी, हमरा के क्षमा का देव रुवा नारायण बानी और साथ में शेष नाग जी आयल बानी, दोनों आदमी के दर्शन के अवसर मिलल। ये सब बात कहत कहत परशुराम जी अपना भाग्य के भी सराह रहल बनी और बन जाए के तैयारी कर रहल बनी। जितना राजा लोग बाँचल रहे वो सब लोग घबराए लगल कि हमने का तो ऐसे ही बिना मतलब के क्रोध करत नहीं, जो ना परशुराम जी से हमने डराता नहीं, यह परशुराम जी इनका के नमन करता नहीं तो हमनी के बड़ा भारी भूल रह लो। तो राजा लोग भी धीरे धीरे वहां से खिसक गई लो। ये कथा आगे चलत रही, आइए वो छोट विराम लियाओ। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। परशुराम जी के चर्चा चलत रहल हा कि वहां का नमन कैनी दोनों भाई के और कहतनी कही जय 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 रघुकुल के कही जय 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 रघुकुल के भृगुपति गए बनहित पहे तू रघुपति गए बनहित पहे तू अपभय कुटिल महीप डराने अपभय कुटिल महीप डराने जहाँ तहाँ कायर गमही पराने जहाँ तहाँ कायर गमही पराने। परशुराम जी राम जी के दोनों भाई के नमन करता नहीं, जय 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 रघु कुल केतु कि हे रघुवंश शिरोमणि रवलोक के नमन बा भृगुपति गए बन ही तप हेतु। परशुराम जी वन में तपस्या खातिर चल गईनी, अपभय कुटिल महीप डेराने जितना कुटिल राजा रहे लो वो डेरा के जहां तहां पराग लो जहां तहां कायर गवने पराने भागल लोग सब। अब यहां ये विचार रहे कि धनुष प्रत्यंचा पर जे चढ़ा दी
ओकरे साथे सीता जी के ब्याह हुई। टूटत ही धनु भयो ब्याह हो, धनुष टूट गई तो मान लिया इनके ब्याह हो गई। सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग जितना देवता मनुष्य रहे लोग सबका ये पता रहे। बाकी दो राज घराना के ब्याह होता तो इनमें बनात आवे के चाहिए, खबर भेजे के चाहिए, क्योंकि राम जी के घर के लोग का तभी पता भी नहीं कि वहां ब्याह हो रहा बा। गुरु जी का साथे घूमे गई रही और वहां धनुष टूट गई, ब्याह तय हो गई। तो जनक जी चिट्ठी दूत भेजे तनी जुना में राम जी लखन जी अपन चिट्ठी लिख ले बालो और दूत लेके अयोध्या चिट्ठी पहुंचाता लो। पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलो की सुहावन, हर से नगर दिलो की सुहावन, भूप द्वार जनाई, भूप द्वार खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी बुलाई। दूत जनकपुर से अयोध्या पहुंचल बालो। राजा दशरथ जी का एक खबर लागल कि जनकपुर से दूत आयल बा, तो दशरथ जी बुला लेता नहीं और बुलेला के बाद पूछता नहीं कि का खबर आयल बा, का लेके आयल बा नहीं, तो चिट्ठी लेके आए रहे लोग। गोस्वामी जी वर्णन कहनी, राम लखन उर कर पर चीठी, राम लखन उर कर पर चीठी, रही गय कहतन खाटी मीठी, रही गय कहतन खाटी मीठी, धीर पत्रिका बाची, धीर पत्रिका बाची, हर्ष सभी बात सुनी साची, हर्ष सभी बात सुनी साची, हर्ष सभी बात सुने साची। राम लखन जी के चिट्ठी आयल बा, सब रानी लोग के राजा दशरथ जी बुलैनी, सब लोग के सामने चिट्ठी बांटल गई। राम जी सब खट्टा मिठ्ठा जोन बात रहे लिखले रहनी कि कैसे ऋषि विश्वामित्र का साथे गईनी, कैसे ताड़का के वध भइल, कैसे मारुत सुबाहु से निपटनी, गंगा जी के पूजन कैनी, जनकपुर कैसे हैनी, जनकपुर कैसन लागल, इस सब जीवन के खट्टी मीठी बात भगवान वो चिट्ठी में लिखले रही। अब बारात जाए के तैयारी होता, अयोध्या के सब नर नारी जकरा बारात जाए के बाद तैयारी में वालू, सब बैंड बाजा बुलावल गई, बारात चलल। रास्ता में बारात चलल जात रहे, गांव के लोग जे भी देखे तो कहे लो कि भीड़ कैसन जाता, तो बतावल जाए कि भीड़ ना हो, ये तो बारात जात बा, ये भीड़ ना हो बारात हो। तो लोग कही कैसन बारात है जो ना में दूल्हे नहीं की, तो कहा कि दूल्हा पहले ही चहूं गई वाले, तो फिर बराती लोग कहलक कि भरतो जी रामे जी जैसे लौकत है नहीं, तो इन्हें के डोली में बैठा दिया पालकी में, भरत जी के बैठा दिया,
जब अगला गांव से बारात गुजरे लगल तो धध के गांव के लोग कहे लोग बराती लोग ए जी बारात जाता और दुल्हो बा बिना दुल्हा के बारात नहीं खे। आई एगो छोट विराम लियाओ फिर ही कथा आगे बढ़ी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बारात चलल बा, ये बारात अवध से जनकपुर जा रहल बा, तो लोग गा रहल बा ये उत्सव के समय पर ये मौसम पे। सोर हर जियारा जनक नगरिया भइल सोर हर जियारा जनक नगरिया भइल सोर हर जियारा जनक नगरिया भइल सोर हर ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अइले अवध नगरिया
जिया भइल सो हरे जियारा जनक नगरिया भइल सो हरे जियारा जनक नगरिया भइल सो हरे जियारा जनक नगरिया भइल सो हरे जियारा बरात अयोध्या से जनकपुर चहुप गइल बा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सब देवता लोग चौपल बा वहा बरात में। आज की कथा एजा विराम ली। रवलोक के मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा हुई तो जरूर पूछी। भगवान नाम के कीर्तन के साथ आज समापन कही जाई। आई हमनी के साथे भगवत नाम के कीर्तन में शामिल हो जाई। प्रेम मोदित मन से बोलो राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मोदित मन से बोलो राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मोदित मन से बोलो राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मोदित मन से बोलो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 हरि राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से बोलो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम।